जो नेक्स्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये एक टर्म पे डिपेंड है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे, ओम, उन्होंने ये लॉ दिया था, और इसका इनका बहुत बेसिक एक सिंपल सा जनरल ऑब्जर्वेशन था जिसका रिजल्ट ये लॉ था, ठीक है। तो इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जब भी एक कंडक्टर पे व्हाट इज ए कंडक्टर, एनी मटेरियल विच अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? विच अलाउज करंट टू पास। व्हाट आर कंडक्टर? विच अलाउज करंट टू पास थ्रू, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि कंडक्टर है, मान लीजिए कंडक्टर है जिसमें एक एंड पे है पॉइंट ए, सेकेंड एंड पे है पॉइंट बी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये था कि जब भी इस पे करंट फ्लो होगा, जब भी इस पे करंट फ्लो होगा, तो कंडीशन इज व्हेन ऑल द फिजिकल, पहला कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशंस That is shape and size of this wire or conductor, and दूसरा temperature. इस wire के around जो temperature है और इस wire के physical condition जब constant रह जाए, जब ये क्या हो, change ना हो, जब ये क्या रहे, constant रहे, इस wire के around जो temperature है वो और इसके physical parameters, ठीक है, जब क्या रहे, constant रहे, fix रहे, तब इस कंडक्टर इस फायर पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस पे जो करंट फ्लो है उसके। समझ आया बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेनेवर द फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर ऑफ अ करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर इज रिमेन कॉन्स्टेंट और फिक्स, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स और टर्मिनल्स of this wire is directly proportional to the current flowing in this wire. समझ में आया बेसिक चीज? It can be stated that when physical conditions and temperature around a conductor is kept constant, the potential difference in the conductor is directly proportional to the current flowing through it. समझ आया? Current flowing through it, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो अभी आएगा यहाँ पे, हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमेशा हम एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए ऑलवेज वी यूज अ कॉन्स्टेंट, तो V इज इक्वल्स टू आर आई, क्या है, V इज इक्वल्स टू आर आई, और इट कैन बी रिटन एज V इज इक्वल्स टू आई आर। हमेशा एक कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं जो क्या करता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव कर देता है और उसे इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है इस कांस्टेंट, क्या नाम है इस कांस्टेंट का, नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब बता रहा हूं व्हाट इज रेजिस्टेंस, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको बट ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये छोटा ऊपर ही बनाते हैं, इस पर ऊपर ही बनाते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो होंगे तभी करंट इधर को फ्लो होगा। मैंने क्या बोला, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो हो रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बी से ए आने पे जो भी ऑब्स्ट्रैक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑब्स्ट्रैक्शन, जो भी हर्डल्स मिल रहे हैं, जो भी इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर आने पे इस कंडक्टर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहे हैं, उन ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रॉन को इधर आने पे जो रेजिस्टेंस मिलेंगे वही तो करंट को इधर जाने में मिलेंगे, करेक्ट है। जो भी ऑब्स्ट्रैक्शन
इस यहां पे एक कंडक्टर पे चार्ज को फ्लो होने के लिए, और व्हाट इज चार्ज? करंट। करंट को फ्लो होने के लिए जो भी ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे एक कंडक्टर पे, वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं? रेजिस्टेंस। तो बेसिकली व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। व्हाट इज ओम्स लॉ? डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कब? दो सिचुएशंस क्या होंगी? फिजिकल कंडीशन उस कंडक्टर का क्या रहेगा? क्या रहेगा फिजिकल कंडीशन? कांस्टेंट। और टेम्परेचर उस कंडक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा वी इज अपोज टू आई, दैट इज वी इज इक्वल्स टू आर आई। वेयर इज, व्हाट इज आर हियर? आर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। और आर यहां क्यों आया? प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के लिए आर आया, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव क्या हो गया? इक्वल्स का साइन हो गया। क्लियर है? तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V is equal to I R, सिंपल है। और what is R? Resistance. What is resistance? Current के फ्लो में जो भी obstruction या hurdles आ रहे हैं वो क्या होते हैं? Resistance. Clear? ठीक है। Next, अब study होगी resistance के ऊपर, okay? What are the things जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? What are the situations in which resistance depends? सिंबल से हम डील करेंगे, कैपिटल आर से सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, द मटेरियल ऑफ विच अ कंडक्टर इज मेड अप ऑफ। ये वायर है, ये वायर किस मटेरियल की बनी है उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, नंबर टू, टेम्परेचर अराउंड थ्री। नंबर थ्री, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब आता है वर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट इधर को फ्लो होगा ना, तो ये सर्कुलर पार्ट है और करंट ऐसा जाएगा। तो ये जो एरिया है जहां से करंट पास होगा, ये जो एरिया है जहां से करंट पास होगा, ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया डिनोटेड बाई कैपिटल ए। ठीक है, ये एक सर्कल है, सब क्लियरली दिख रहा है, एक सर्कल है, सिलेंडर दो सर्कल्स के अराउंड बनता है। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा? कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इतनी चीजें समझ आ गई आपको? नेक्स्ट, फोर्थ, इसका ये जो कंडक्टर है ए से बी, इस कंडक्टर का जो लेंथ होगा, चौथा पैरामीटर वो है, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दैट इज, ये यहां से यहां तक इतनी लंबी वायर है, मान लीजिए इस वायर का लेंथ है एल, तो डिपेंड्स ऑन लेंथ। ये चीज समझ आए? चार फैक्टर जिनमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है ये भी बता रहा हूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और लेंथ पे रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली और डायरेक्टली। अब अगर मैं लिखूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? R is inversely proportional to cross sectional area, 1 by A. और यहां पर क्या लिखूंगा? R is directly proportional to A. Okay? ठीक, तो let this be equation number 1 and let this be equation number 2. तो हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है ना, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? R is directly proportional to L by A. फिर से प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के लिए भी यूज अ कॉन्स्टेंट,
तो यहां पे कांस्टेंट हम यूज करने वाले हैं वो है रो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कांस्टेंट रो, क्या होता है इस कांस्टेंट का नाम रो, ठीक है, और इस कांस्टेंट का सिंबल जो है वो है रो, और कांस्टेंट का स्टैंडर्ड नेम होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, या फिर दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या तो रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं इस कांस्टेंट के दो नाम, ठीक है, आगे बताऊंगा क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी के लिए इतना समझ लीजिए रेजिस्टेंस चार पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, पहला मटेरियल, एक मान लो एक वायर है जिसपे करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वायर किस चीज की मेड अप है, एल्यूमिनियम की है, कॉपर की है, सिल्वर की है, किस मटेरियल की है, उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। दूसरा टेम्परेचर, उस वायर में कितना टेम्परेचर है, उसके अराउंड कैसा टेम्परेचर सेट किया गया उस पर। तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है एक वायर के लिए सिलेंड्रिकल, और उसके जो मेन पार्ट जिसपे करंट परपेंडिकुलरली पड़ रहा होता है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दैट इज सर्कल पाई आर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और लेंथ पे चौथा लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आई कैन राइट इट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, वेयर दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन इज रिमूव्ड बाय अ कांस्टेंट जिसका सिंबल होता है रो, और इस सिंबल का जो स्टैंडर्ड नेम हम यूज करते हैं दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी, इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट ये फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है, इस रो का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, and it is defined as specific resistance is defined as the resistance across a conductor such that the cross sectional area of the conductor is unit and the length of the conductor is unit, for example ek conductor hai jiska cross sectional area hai 1 mm square, kya hai 1 mm square, aur jiska length hai 1 mm, ठीक है, तो फॉर्मूले पे लिख लेंगे तो R इज इक्वल टू रो इंटू वन बाई वन, देयरफॉर R इज इक्वल टू रो, सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इन विच द करंट इज फ्लोइंग सच दैट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज यूनिटी एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर इज वन, that is unity again, समझ आया, what is specific resistance, it is specific resistance is the resistance of wire whose length and cross sectional area both are unity, clear, basic terms समझ आ गया, एक क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन से पहले रुकिए, क्वेश्चन से पहले रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट भी तो देख ले, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, सबसे पहले वॉट इज द ऐसा यूनिट ऑफ आर, R is, R का भी ऐसा यूनिट पता करना, रेजिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट पता करना, वो कैसे करेंगे, ये मैंने पढ़ा है V is equals to I into R, तो R को लिख सकते हैं V by I, ठीक है, V by I, what is the ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने बताया था वोल्ट,
what is the potential of, what is the SI unit of current? Ampere. Volts, ampere. Volts per ampere. तो SI unit या फिर standard unit of resistance बोल सकते हैं volt per ampere. That is V into A की power minus 1. तो ये क्या होता है? Unit of resistance. And इस volt per ampere को हम बोल सकते हैं ohm. Ohm's law है. तो इस resistance का नाम भी दिया गया, SI unit इस resistance का बोला गया ohm. What is the SI unit of resistance? Ohm. और इस ohm का symbol होता है ऐसा. ये हो symbol of ohm. तो SI unit of resistance is ohm. इसका सिंबल है ये, समझ आया? इसका सिंबल क्या है? ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? दिमाग में क्लियर रखो, ओम. ठीक है, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का देखें SI यूनिट. ठीक है, आर. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर. लेंथ का SI यूनिट क्या होगा? मीटर. तो एक मीटर कैंसिल हो गया और ऊपर से टू हट गया, तो क्या बचेगा? ओम मीटर. रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम मीटर. क्या होता है? ओम मीटर. क्लियर हुआ इतना चीज? ये था लास्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए अबाउट रेजिस्टेंस. व्हाट इज द SI यूनिट रेजिस्टेंस? ओम. व्हाट इज द SI यूनिट रेजिस्टिविटी? ओम मीटर. ठीक है, पहला SI यूनिट रेजिस्टेंस इज ओम, दूसरा ओम मीटर. ठीक, एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा आपको याद होनी चाहिए, एकदम दिमाग पे बैठा लेना आपको, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर नेवर चेंजेस. ठीक है, एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसका अगर ये बना हुआ है कॉपर का, इसका बना हुआ है कॉपर, अगर ये बना हुआ है कॉपर, तो इसके कितने भी टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे, इस पे भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? रो. और इस पे भी क्या होगा? रो. दैट इज लेंथ और क्रॉस सेक्शनल के चेंज होने से रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की कभी भी चेंज नहीं होती है. ये एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, क्या होती है? कभी भी चेंज नहीं होती है. ठीक है, रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज फिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर. दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कुछ होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर कुछ होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन कुछ होगा. और इस आयरन का एक वायर है, उसके कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, रेजिस्टिविटी विल नेवर चेंज. रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इतना समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको एकदम याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, मान लो एक मेरी वायर है, ठीक है, जिसपे रेजिस्टेंस है 2 ओम. ठीक है, जिसपे रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम का रेजिस्टेंस है. ओके, जिसका लेंथ 4 मीटर. जिसका लेंथ क्या? 4 मीटर. जिसका एरिया क्या? 8 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अगर इस कंडक्टर या फिर इस वायर को मैं मोड़ दूं, इसके ए और बी दोनों एंड्स को क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं, यहां से ए को लाके बी में ज्वाइन कर दूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा? ऐसा कुछ दिखेगा ये? तो इसका लेंथ क्या होगा? जस्ट हाफ हो गया. लेंथ क्या होगा? जो नया लेंथ आया उसका नाम एल डैश कर दे. एल डैश क्या होगा? एल बाई टू होगा. और नया एरिया भी होगा, अभी तो पतला था, अभी मोटा हो गया ये, उसका एरिया भी चेंज होगा. दैट इज न्यू एरिया. ठीक है, क्या किया मैंने इसको, इस वायर को ऐसे कन्वर्ट कर दिया जिसमें इसका लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो गया. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया 2 ओम. बोला है कि जब डबल हो जाएगा वो वायर एक के ऊपर कोलैप्स, मतलब
उस वायर को उसके खुद के ऊपर अगर मैं रख दूं, बेंड कर दूं, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है. क्वेश्चन इज न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना. अब देखो हाउ टू फाइंड. व्हाट इज आर का फॉर्मूला? ये होता है फॉर्मूला, ठीक है. सिमिलरली इधर आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश होगा, करेक्ट है. अब एल डैश क्या है? एल बाई टू इंटू वन बाई ए डैश. तो कैन आई राइट आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई टू ए डैश, ये लिख सकता हूं, ठीक है, ये कर सकता हूं मैं. फाइन, नेक्स्ट. अब ये ए डैश को कैसे फाइंड करेंगे? तो ए डैश फाइंड करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है कि वॉल्यूम इज ऑलवेज सेम ऑफ अ मटेरियल. फॉर एग्जांपल ग्लास पे रखो, एक ग्लास वाटर लिया आपने मान लो, इसको आप अगर एक बाउल में, इस एक ग्लास वाटर को एक बाउल में आप अगर डाल दो तो एक ग्लास वाटर क्या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या चेंज हो जाएगा? क्या वो चेंज होगा? कभी भी क्या उस ग्लास पे जितना वाटर है वो चेंज होगा? उस वाटर का वॉल्यूम कभी चेंज होगा? नहीं होगा. उसका शेप चेंज होगा, वॉल्यूम इज नेवर चेंज. सिमिलरली यहां पे इसका शेप ऐसा था, इसका शेप ऐसा हो गया, बट इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? हमेशा फिक्स. इतना याद रखना, वॉल्यूम नेवर चेंजेस, ठीक है. वॉल्यूम इज इनडेफिनिट, ठीक है, करेक्ट है. तो वॉल्यूम का शेप क्या हो रहा है यहाँ पे? चेंज हो जा रहा है, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा ना, एक ग्लास वाटर उतने का उतना ही रहेगा. इस पर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है. तो सिमिलरली यहां पे वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू एरिया. क्या होता है वॉल्यूम? लेंथ इंटू एरिया, फर्स्ट केस. सेकेंड में वॉल्यूम क्या रहा? एल डैश इंटू वॉट? ए डैश, ठीक है. तो दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. एल एच एस दोनों का सेम है तो आर एच एस भी हो जाएगा. तो कैन आई राइट एल इंटू ए इज इक्वल टू एल डैश इंटू ए डैश. यही है कंसेप्ट जिससे ए डैश की जगह अपन क्या रखेंगे? ए रखेंगे. और अपन क्या मिल जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है. देखो एल डैश इंटू ए. अब वॉट इज एल इंटू ए इज इक्वल टू एल डैश क्या है? एल बाई टू और ए डैश है ये. तो एल एल दोनों से हट गया और इधर क्या होगा? टू ए इज इक्वल टू ए डैश. टू ए क्या हो गया? ए डैश के बराबर हो गया. और इस को पुट करेंगे यहां पे तो क्या हो गया? नया आर डैश रो एल टू इंटू वॉट? तो ये आ गया आर डैश इक्वल टू दिस, ठीक है. आर डैश आ गया जो नया आ रहा है ड्यू टू चेंज इन शेप. शेप के चेंज की वजह से जो आर डैश आया है वो ये है, ठीक है. एक्चुअल आर क्या था? दिस इज द एक्चुअल आर, ठीक है. इसकी वैल्यू क्या थी? टू. दैट इज रो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या था? टू ओम था, ठीक है. तो ये क्या इसका मतलब? रो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या? टू ओम. अब आर डैश कितना है? रो एल बाई फोर ए. दैट इज आर डैश इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू वन बाई फोर. What is rho L by A? Rho L by A is equal to 2 ohms. That is 2 into 1 by 4. So new R, that is new resistance is equal to 1 by, that is 0.5 ohm. A find another new resistance. So I hope आपको resistivity के concept पे ये question और numerical समझ आ गया होगा. और इसके बाद के जो आगे के lectures होंगे, जैसे कि ये हमने पढ़ा current, potential difference, ohms. ये इस चैप्टर का चैप्टर 8 का फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए है, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया. आगे के पार्ट मैं बनाऊंगा आपके रिव्यू के हिसाब से. आपको रिव्यू अच्छे लगते हैं तो लेट मी नो. अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड करवाई मेरे इंस्टाग्राम पर, उस पर मुझे मैसेज करके, या आप जो भी अगर कमेंट सेक्शन होगा उसमें आपके रिव्यू के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूँगा, ओके. थैंक यू सो मच.